चीन जिस बारूदी हनक की बदौलत सुपर पावर को डराने की कोशिश कर रहा था, अमेरिका ने उसे एक बार फिर से चीन की गीदड़ भभकी साबित किया है। चीन ने नैन्सी पेलोसी के दौरे को लेकर अमेरिका को धमकी दी थी, युद्धाभ्यास के नाम पर जंग का माहौल बनाया था। रविवार को फिर अमेरिकी विमान ताइपे पहुंचा, फिर अमेरिकी डेलीगेशन ने ताइवान का दौरा किया, लेकिन चीन कुछ नहीं कर सका। चीन एक बार फिर बौखलाहट में धमाके कर रहा है, युद्धाभ्यास का नया सेशन शुरू कर दिया है। डेलीगेशन भेजकर चीन को चुनौती देने के साथ ही अमेरिका भी युद्धाभ्यास के जरिए जंग की तैयारी कर रहा है। साउथ चाइना सी में चीन के युद्ध को चक्कर काटते रह गए। चीन के घातक फाइटर विमान स्टैंड बाय मोड में खड़े रह गए। मिसाइल और टैंक के साथ मौजूद चीन की आर्मी पोजीशन पर तैनात रही। सब के बावजूद एक बार फिर अमेरिका का एक विमान ताइपे में लैंड हो गया। नैन्सी पेलोसी के दौरे के दौरान युद्ध का माहौल बनाने वाला चीन फिर देखता रह गया और अमेरिका का एक नया डेलीगेशन ताइवान के दो दिन के दौरे पर पहुंच गया। युद्धाभ्यास की तस्वीरें जारी करने वाला चीन फिर कुछ नहीं कर सका। ताइवान के करीब किसी भी विमान के उड़ान को जोखिम से खेलने की बात करने वाला ड्रैगन फिर कुछ नहीं कर सका। अमेरिका ने एक बार फिर दिखा दिया कि सुपर पावर ना तो ड्रैगन की धमकियों से डरता है और ना ही घातक हथियारों के प्रदर्शन से। रविवार को अमेरिकी कांग्रेस का एक नया प्रतिनिधिमंडल ताइवान के दौरे पर पहुंचा और सोमवार से चीन ने फिर साउथ चाइना सी को धमाकों से दहलाना शुरू कर दिया। चीन ने एक बार फिर युद्धाभ्यास की शुरुआत कर दी है। चीन के युद्धपोत समुद्र में डमी टारगेट को नष्ट कर रहे हैं। साउथ चाइना सी के ऊपर फाइटर प्लेन उड़ रहे हैं। युद्धाभ्यास का ये दूसरा फेज क्या जंग की शुरुआत कराएगा? चीन की सेना के हवाले से छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की वायुसेना अब उन इलाकों में उड़ान भर रही है जहां पहले ड्रैगन के फाइटर नहीं जाते थे। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की वायुसेना ताइवान के स्ट्रेट के मीडियन लाइन तक उड़ान भर रही है। ड्रैगन लैंड के फाइटर पायलट्स को ऑर्डर मिला है कि वो ताइवान की तरफ जा रहे किसी भी विदेशी विमान की जानकारी फौरन भेजें। चीन के फाइटर प्लेन अब ईस्ट चाइना सी में भी गश्त लगा रहे हैं। ताइवान के करीब सभी हवाई क्षेत्र में J-20 की पेट्रोलिंग हो रही है। ताइवान के करीब सभी हवाई और समुद्री रास्तों को सील करने की कोशिश है। चीन की वायुसेना ने अब ईस्ट चाइना सी में एक एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन बनाया है। चीन के युद्धाभ्यास के दौरान अब सबमरीन की एंट्री भी हो चुकी है। चीन ने ताइवान के करीब अब अपनी स्टेल्थ सबमरीन को तैनात कर दिया है। चीन की सबमरीन सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल से लैस है। चीन की इस पनडुब्बी का नाम युआन 039C है। स्टेल्थ सबमरीन को ट्रेस करना बेहद मुश्किल है। युआन सबमरीन एयरक्राफ्ट कैरियर को उड़ा सकती है।
नैंसी पेलोसी के दौरे के दौरान अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर रोनाल्ड रीगन को साउथ चाइना सी की तरफ भेजा था। कई युद्धपोत के साथ रोनाल्ड रीगन ने नैंसी पेलोसी के दौरे के दौरान उन्हें सुरक्षा दी थी। चीन ये भी जानता है कि ताइवान पर अटैक करते ही जापान के पास मौजूद अमेरिका का सातवां बेड़ा ड्रैगन के लिए बड़ी चुनौती बनेगा। माना जा रहा है कि चीन ने इसलिए अपनी स्टेल्थ सबमरीन्स को तैनात किया है। चीन ने एक बार फिर जंग का माहौल बनाकर अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश की है, लेकिन ताइवान ने बैकफुट पर जाने की बजाय फिर युद्धाभ्यास का जवाब युद्धाभ्यास से देने की ठानी है। सत्रह अगस्त को ताइवान की सेना युद्धाभ्यास करेगी। पिंगटुंग में ताइवान की वायुसेना लाइव फायरिंग करेगी। ताइवान की वायुसेना तट पर अटैक का जवाब देने की तैयारी करेगी। ताइवान की वायुसेना के पास AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं। ताइवान के पायलट्स इस हेलीकॉप्टर से दुश्मन पर हमला करने का अभ्यास गुरुवार को करेंगे। ताइवान के पास सुपर कोबरा हेलीकॉप्टर्स भी हैं। इन्हें भी ताइवान की वायुसेना युद्धाभ्यास में इस्तेमाल करेगी। 18 अगस्त यानी शुक्रवार को ताइवान की सेना एक बार फिर ड्रैगन को अपने हौसले और जोश दिखाएगी। शुक्रवार को ताइवान की नेवी भी दुश्मन पर जबरदस्त गोलीबारी का अभ्यास करेगी। ताइवान के इस युद्धाभ्यास में वायुसेना भी शामिल होगी। 24 अगस्त को ताइवान की सेना फिर युद्धाभ्यास करेगी। ताइवान की नौसेना और वायुसेना संयुक्त युद्धाभ्यास करेगी। चीन की नेवी के ठीक सामने ताइवान की नौसेना अभ्यास करेगी। चीन के शक्ति प्रदर्शन का सबसे बड़ा जवाब ताइवान 5 सितंबर को देने वाला है। ताइवान इस दिन अपनी तीनों सेनाओं के साथ अपनी ताकत दिखाएगा। ताइवान की एक्सरसाइज भी पिंगटुंग में होगी। इस दिन ताइवान की सेना के स्नाइपर्स निशाना लगाने का अभ्यास करेंगे। बख्तरबंद गाड़ियों से ताइवान की सेना मोटार दागने और गोलीबारी का अभ्यास करेगी। चीन अपनी वॉर प्रैक्टिस कब तक करेगा ये साफ नहीं है, लेकिन ताइवान ने अभी से जता दिया है कि सितंबर के पहले हफ्ते तक ताइवान की सेना भी वॉर मोड में रहेगी और ताइवान के करीब धमाकों का दौर थमने वाला नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका की सेना भी लगातार युद्ध का अभ्यास करके खुद को तैयार कर रही है। अमेरिका ने जापान और साउथ कोरिया के साथ युद्धाभ्यास किया। अमेरिकी सेना ने साउथ कोरिया और जापान के साथ मिसाइल डिफेंस एक्सरसाइज की। 8 अगस्त से 14 अगस्त तक तीन देशों ने वॉर ड्रिल से नॉर्थ कोरिया और चीन को संदेश दिया। अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया ने इस दौरान बैलिस्टिक मिसाइल के हमले का जवाब देने का अभ्यास किया। चीन और नॉर्थ कोरिया दोनों के पास बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़ा भंडार है। यही वजह है कि फॉर ड्रिल में खास तौर से मिसाइल अटैक का जवाब देने का अभ्यास किया गया। साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच मंगलवार से एक प्राइमरी युद्धाभ्यास की शुरुआत हुई है। इसके बाद दोनों देशों की सेना एक बड़ा युद्धाभ्यास करेगी। बाईस अगस्त से 1 सितंबर तक युद्धाभ्यास होने वाला है। युद्धाभ्यास से पहले 4 दिनों तक प्राइमरी वॉर प्रैक्टिस होगी। अमेरिका और साउथ कोरिया की तीनों सेना इसमें शामिल होगी। चीन के साथ ताइवान और अमेरिका भी इस वक्त लगातार जंग की तैयारी में है, लेकिन अमेरिका और ताइवान दोनों पहले हमला करने के पक्ष में नहीं है। चीन की तमाम धमकियों का जवाब देने का सिलसिला जारी है और अमेरिका ने जता दिया है कि चीन की धौंस अब चलने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।